नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के इतिहास का, मुझे लगता है कि जो पिछले 23 सालों की जो सबसे बड़ी करप्शन स्टोरी है उनमें से एक का खुलासा कर रहे हैं। और ये खुलासा कर रहे हैं हम कि जो विदेशों से जो फंड आया उत्तराखंड में और वन विभाग को दिया गया वो फंड, जिसका नाम आप अक्सर सुनते होंगे जायका, इसका जो पूरा एब्रीविएशन है, जो इसका फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। हिंदी में इसका मतलब हुआ जापान का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने की एक एजेंसी। और जापान ने जो उत्तराखंड को सहयोग किया है वो पैसा दिया है उत्तराखंड सरकार के जो वन मंत्रालय है, वन मंत्रालय के अधीन जायका प्रोजेक्ट चल रहा है। और यहाँ पर वनों के संवर्धन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए 2014 में जायका प्रोजेक्ट शुरू हुआ और अब तक लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा पैसा यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगर आप धरातल पे इसको ढूंढेंगे पैसा, कि ये पैसा कहाँ लगा है, तो ये पैसा आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, ये बहुत कम दिखाई देगा। और इसकी शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि ये जो ऑफिस यहाँ देहरादून में है, इसका इसका बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है। मतलब आप ये समझिए कि 800 करोड़ रुपया जापान से उत्तराखंड को मिला, लेकिन अधिकारियों ने इस कार्यालय का जायका का बोर्ड तक नहीं लगाया। और बोर्ड इसलिए नहीं लगाया गया कि ऑफिस को भी आप आसानी से ढूंढ ना पाए और किसी करप्शन की शिकायत ना कर सके। लेकिन इसके लिए एक चीज़, एक हथियार जो कि हमारे पास है, जिसे कहते हैं कि सूचना का अधिकार, हमने सोचा कि चलिए पहले तो हमने इस ऑफिस को ढूंढा कि ऑफिस कहाँ है, इस ऑफिस को लोकेट किया और जानने की कोशिश की तमाम भ्रष्टाचार के सवाल जो हमारे पास आ रहे थे। और जब उन सवालों के जवाब हमें नहीं मिले तो हमने आरटीआई का प्रयोग किया और जागो उत्तराखंड के जो को एडिटर हैं गौरव तिवारी, उन्होंने यहाँ पर सूचना के अधिकार लगाए, जिनमें हैरतअंगेज खुलासे हुए हैं। उनमें से एक खुलासा हम आज कर रहे हैं और अभी मेरे साथ गौरव तिवारी जी आ जाएंगे। गौरव जी आप प्लीज़ आ जाइए और आगे अब गौरव बताएंगे कि जब उन्होंने आरटीआई लगाई यहाँ पे क्या क्या खुलासे हुए हैं। उनमें से एक सबसे छोटा खुलासा मैं कहूँगा, जो कुछ लाख रुपये का है, 30-35-40 लाख रुपये का होगा, उसका खुलासा कर रहे हैं। और आगे आपके पास हम ऐसे बड़े बड़े खुलासे करते रहेंगे जो कि करोड़ों तक जाएंगे। तो गौरव, ये आप बहुत टाइम से, आपने तो सारा काम ही छोड़ा हुआ था कि भाई मैं जायका प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई करिए रिसर्च, करिए आप, तो क्या निकल के आए? ये जो पहली बात आप बता रहे हैं, पहला खुलासा जो हम आज कर रहे हैं, क्या है इसमें? देखिए, मैं कहूँगा धन्यवाद सबसे पहले आशुतोष भाई का दूंगा कि उन्होंने मुझे फ्री हैंड छोड़ दिया था कि तुम जायका को देखते रहो, जायका के जायके लेते रहो, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हुआ क्या, मैं यहाँ पे आया, पहले ऑफिस ढूंढने में मुझे उस दिन, जैसे नेगी जी ने कहा कि आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग गया, ये हो गया। यहाँ पे आके मैंने कुछ चीज़ें पता की। यहाँ पे पहले जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, चीफ प्रोजेक्ट सीबीडी सबसे, जो वर्तमान में हॉफ हैं, उनसे पूछा कि ऐसा कुछ है, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने यहाँ पे, उन्होंने जब अपनी बात डिनाई कर दी, तो मैं उस बात पे आगे, एक सूचना का अधिकार एक हथियार होता है, उसके थ्रू आया। यहाँ पे मुझे घुमाया गया, बहुत घुमाया गया, मैं कहूँ कि मार्च से लेके कभी नहीं है, फिर अपील करो, फिर पेमेंट डिपॉजिट करो, पेमेंट डिपॉजिट करने के बाद पेपर्स मिलने शुरू हुए। उन पेपर्स को मैं धीरे धीरे स्टडी किया, फिर उसके आगे दूसरी स्टडी आई कि इन पेपरों का नेक्स्ट वो क्या होगा, वो लिया। यहाँ पे आया तो देखा कि यहाँ पे चहेतों को लाभ देने का, जो उत्तराखंड में एक परंपरा है कि अधिकारी आपका चहेता है, अधिकारी के आप चहेते हैं तो आपको कोई लाभ अधिकारी बेवजह दे देंगे। एक गाड़ी है UK07BA0742, ये कोई एक प्राइवेट नंबर की गाड़ी है, कोई ऐसा नहीं है। इस गाड़ी को अभी जो मेरे को कागज़ मिले हैं उनके आधार पे कह रहा हूँ, लगभग मैं सब आपसे कहूँगा कि 30,000 का ये पेमेंट, 30,297 रुपये का मंथली पेमेंट है। इसमें डीजल अलग है, ये केवल ड्राइवर का और गाड़ी का होता है शायद इसमें। ये एक साल से ज़्यादा इसके हो चुके हैं, ये आधे हैं। अभी मेरे पास जो सोर्सेस से, मेरे सोर्सेस से मुझे खबर मिली है कि और भी हैं, ये पहले भी थी, एक साल का गैप था, ये था।
ये गाड़ी किसी प्राइवेट आदमी की है, जैसे आप अपनी कार ले लेते हो, आप क्या उसे सरकारी विभाग में लगाएंगे? नहीं लगा सकते हैं। आरटीओ साहब से भी हमने इस पर जानकारी ली। इसके फर्जी बिल बनाए गए इंडिया ट्रेवल्स के नाम पर। मैं आप लोगों को चाहो तो रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि मेरे, ये जो आप रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हैं, किसकी रिकॉर्डिंग आप सुनाना चाह रहे हैं? ये इंडिया ट्रेवल्स के जो ओनर हैं उनकी है। मतलब जिन्हें भुगतान हुआ है, जिन्हें भुगतान हुआ है, उनका क्या कहना है? कौन है सज्जन? ये कोई इंडिया ट्रेवल्स, इंडिया ट्रेवल्स वाले हैं, भूपेंद्र सिंह जी। अच्छा, इनका क्या कहना है? इन्होंने कहा है कि मैं केवल बिल देता था, पेमेंट आता था, मेरे से कैश लेके जाया जाता था। कैश कौन ले जाता था? गाड़ी के ओनर ही लेके जाते रहोगे, जिनके यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से शायद संबंध रहे होंगे। या गड़बड़ी क्या है? मतलब प्राइवेट नंबर की गाड़ी, प्राइवेट नंबर की गाड़ी सरकारी उसमें लग गई है। इससे देखिए कितना बड़ा है। हमारे उत्तराखंड का लड़का आज स्वाभिमानी है, कुछ भी कर रहा है, अपना गाड़ी चलाता है, कैसे भी काम करता है। क्या उसकी टैक्सी नंबर की गाड़ी यहाँ पे लग नहीं सकती थी? मेरे आपसे संबंध है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मेरे संबंध है, तो क्या मैं अपनी गाड़ी यहाँ लगा दूँ? मेरे पे भी दो गाड़ियाँ, मैं भी दोनों गाड़ियाँ लगवा देता हूँ, मेरे को भी कुछ आ जाएगा भुगतान उसमें से। 20-25 हज़ार रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है, 30 हज़ार रुपये का जो बिल आ रहे हैं, मेरे घर पे आ जाएंगे। ऐसे ही लालच करके प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से, और ये उन्हीं के सिग्नेचर से बिल निकले हुए हैं, ये भी अगर वो कहते हैं तो, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो पहले अभी हॉफ है वर्तमान, उन्हीं के सिग्नेचर से ये चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, ये अनूप मलिक साहब के, उन्हीं के सिग्नेचर से ये बिल पेमेंट हो रखी है। थोड़ा सा ऊपर पकड़ेंगे तो पूरा दिखाई देगा फिर। ये आप थोड़ा इत्मीनान से देख लीजिए, इंडिया ट्रेवल्स करके ये ट्रैवल एजेंसी है, सहारनपुर रोड पटेल नगर देहरादून की, जिसका ये टिन नंबर सारी चीज़ दी हुई है। मंथली बेसिस हायरिंग पे ये है, चार्जेस दिखा रखा है कि 1 मंथ का 26,013 रुपया, प्लस ये दो नाइट चार्जेस हैं 300 रुपये करके, 600 रुपये दो नाइट के हो गए, और टोटल टोल टैक्स पार्किंग का भी है 254 रुपये, तो 26,867 रुपये। इसमें CGST जोड़ी, SGST जोड़ी और ये तमाम अमाउंट जोड़ के राउंड ऑफ करके ये आप नीचे देख सकते हैं कि 30,061 रुपये का ये पेमेंट है। ये जो मंथली पेमेंट यहाँ पे होता था, ये केवल गाड़ी की हायरिंग का है। इसके अलावा जो ऑयल का खर्चा होता था वो अलग है, वो RTI में हमें अभी नहीं मिला है। और लगभग एक साल का जो हमने रिकॉर्ड निकाला, तो इसमें लगभग 30 से 35 लाख का ये फर्जीवाड़ा है। आप ये समझ सकते हैं कि प्राइवेट नंबर की गाड़ी सरकारी ऑफिस में चल नहीं सकती, और अगर वो चल रही है तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। तो करीब 30 से 40 लाख रुपए का जो हेरफेर है वो इसमें पकड़ा गया है। गौरव, आप ऑडियो सुनाना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैं एक ऑडियो जो ओनर है उनके सुनाता हूँ आपको। हेलो, इंडियन ट्रेवल्स से बात कर रहे भैया? इंडियन ट्रेवल्स से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार, मैं गौरव तिवारी बात कर रहा हूँ, एडिटर जागो उत्तराखंड न्यूज देहरादून से। हाँ जी सर, मेरे पर कुछ पेपर्स आए थे जिसमें आप लोगों ने जायका परियोजना में गाड़ी लगवाई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर क्या रहता था यहाँ पे गाड़ी का, क्या है? लोकल यूज रहती थी सर। लोकल यूज थी, और गाड़ियाँ टैक्सी लगती थी या प्राइवेट? मतलब वो कहते थे जोन से मर्जी भेज दो, कभी मतलब कभी टैक्सी, कभी प्राइवेट, जो भी खड़ी होती थी भेज देते थे। नहीं कुछ हाँ? जैसे एक गाड़ी है यहाँ पे UK07BA0742। हाँ, ये किसकी गाड़ी थी सर? सर एक्चुअली ये मेरी गाड़ी नहीं है, ओनर कोई और है, मैं आपको उनका डिटेल दे दूंगा, नाम नंबर वगैरह सब कुछ। नहीं, बिल आपका आ रखा है सर एक्चुअली? हाँ, बिल मेरा आ रखा है, वो मेरे थ्रू सेटिंग उनकी थी, मतलब जान पहचान थी उनकी, जो भी थी। किससे जान पहचान थी? उनके यहाँ जज से भी होगी, मतलब उन्होंने मुझे ऑफर कर रखा था कि यार मेरी वहाँ गाड़ी लगी हुई है तो इसमें आप बिल दे दिया करो वहाँ पर। लेकिन सर इसमें तो ये तो आपके उस पर आएगी ना कि बात, क्योंकि टैक्सी नंबर अलाउड है, प्राइवेट नंबर तो लग ही नहीं सकता कहीं पे भी, बिल तो आपके आ रखे हैं सर ना इसमें। जी, और गाड़ी नंबर मालिक के पास तो जाएगा ही जाएगा, जो भी होगा वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके ऊपर भी आएगी ना सर ये तो बात, क्या प्राइवेट नंबर। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस गाड़ी का कोई अनुबंध यहाँ पे नहीं हो रखा है, बिना अनुबंध के ये पेमेंट हो रखी है। अब ये सवाल उठता है कि ये गाड़ी चलती भी थी या नहीं चलती थी, इसको पेट्रोल जो है या डीजल जो भी ये था, इसका जो फ्यूल एक्सपेंसेस थे, क्या वो किसी एक आदमी की जेब में जाते थे? जो ट्रैवल का जो दिखाया जाता है, इसकी लॉग बुक अभी तक मुझे नहीं मिल पाई है, मैं लॉग बुक भी RTI में ली थी, अब तक नहीं दी है इन्होंने,
वो लॉग बुक भी नहीं मिल पा रही है, पता तो चले कि ये गाड़ी जाती कहाँ थी, कौन इसका यूज़ करता था। ये था एक, मैं रिकॉर्डिंग का दूसरा पार्ट आपको सुनाता हूँ, इसके बाद भी इन्होंने इनसे बात हुई थी, ये सुन लो। हाँ जी सर। हाँ सर, एक चीज और रहेगी, जैसे ये आप लोगों के बिल आ रखे ना 28,000-30,000 के, जी, तो इसमें आपको ऑयल जो मिलता था ये ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मिलता है या क्या होता था फ्यूल जो था? वही डलाते थे सर। अच्छा, वही यहीं से जलवाते हैं? हाँ, फ्यूल वो लोग डलाते थे, और सिर्फ हायरिंग का बिल होता था ना, सिर्फ हायरिंग बिल है ना, 30,000 रुपए महीने, मतलब जो 28,000-30,000 रुपए महीने, 30,000 रुपए का बिल जो भी मिले। हाँ, क्योंकि एक्चुअली सर ये मैं आपको बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, क्लियरली मैं आपको जो भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक्चुअली कोई गाड़ी नहीं है ना, मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ, सिर्फ ये मेरे एक सिंपैथी वाली नेबर होने की वजह से मैंने उनकी हेल्प करी। आपकी कौन सी थी, 7369 आपकी है? कौन सी गाड़ी सर? ये कोई गाड़ी नहीं है मेरी, आज तक गाड़ी गई नहीं, मैंने ऑफिस तक नहीं देखा सर इस गाड़ी का, इसमें कौन अफसर डील करते थे, कौन है, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ जिनकी गाड़ी लगी हुई है वो और जो जिन्होंने जिस ऑफिस में लगा रखी है वो ही आपस में एक दूसरे को जानते हैं। मैं कसूरवार हूँ बिल्कुल 100% कि मैंने बिल दिया है अपना सर। मुझे नहीं पता सब, मुझे ये भी नहीं पता इस गाड़ी में ड्राइवर कौन है, इसमें कौन कौन साहब इसमें जर्नी करते थे और क्या ड्यूटी होती थी, कहाँ जाती थी, मुझे कुछ नहीं पता एक्स वाई जेड सर। सिर्फ आपका बिल यूज किया जाता था? सिर्फ मेरा बिल यूज किया गया है कि वहाँ के वो भी उसके लिए किया, चलो यार मेरी मदद के लिए बिल आप मुझे दे दिया, मैंने एक गाड़ी लगा रखी है पेमेंट का भी तो है कि मैं इनको वापस कर दूँ, सामने वाली गाड़ी लगी हुई है तो आप दे दो आके। बस मैंने वो काम किया सर, और इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ और सॉरी भी फील करता हूँ, और जो भी आप कहते हैं और जो आप मेरे से नंबर मांगते हैं जो भी कहते हैं, मैं अपनी तरफ से आपको पूरा नंबर दो सर, आरटीओ साहब कर लेंगे ना, मैं उनको क्या करूँ, मेरे को जैसे जो ऑनर है, हाँ, जो जिनकी गाड़ी है या कुछ है, गुरवीत है क्या है इनके नाम, ऐसे कुछ स्पोर्ट्स में है ही नहीं, वैसे जो हम तो जानते हैं मोंटी के नाम से जानते हैं इनको, सरदार जी हैं, इनकी वर्कशॉप है सर ये हरिद्वार रोड में ना, प्रिंस चौक से थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट हैंड की वर्कशॉप है अपनी, और इनकी डॉटर और मेरे बेटा एक ही स्कूल में राजपुर रोड में, तो वहाँ मिलते थे, वहाँ अच्छी जान पहचान है, मिलना रोज का। आपकी कोई भी गाड़ी आज तक इस ऑफिस में नहीं लगी? मेरी, मैं कसम खाता हूँ सर, अगर मेरी एक भी गाड़ी गई हो तो आप जो मेरे से यानी जो आप कहें चाहे मैं कसूरवार हूँ, जो आप कहें, मेरी अपनी आज तक कोई भी गाड़ी इस ऑफिस में नहीं गई, मेरे अपने किसी नाम की गाड़ी है, मेरे अपने ओनरशिप की गाड़ी कोई आज तक इस ऑफिस में नहीं गई सर, कभी भी, मतलब आपने और किस किस गाड़ी के लिए बिल दिए हैं सर? नहीं, मैंने किसी गाड़ी का बिल नहीं दिया, इसी गाड़ी का एक ही बिल दिया है, और लगभग 10-11 महीने का बिल दिया होगा मैंने हर महीने, एक ही गाड़ी का बिल दिया है मैंने कंटिन्यू हर महीने, ये मेरे पास आते थे, मतलब 4-5 तारीख को यार एक वो बिल दे दो तो मैं बिल इशू करता था, इनकी पेमेंट मेरे खाते में आती थी, मैं रिवर्ट कर देता था, सिंपल सी बात। बाकी सर मैं देखिए, तो ये ट्रैवल एजेंट खुद कह रहा है कि इनकी कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं लगी, और ये जो प्राइवेट नंबर की गाड़ी है वो एक तरह से एक बिल दे देते थे, इन्हें ये भी पता नहीं है कि कौन अधिकारी या कहाँ ये गाड़ी यूज़ होती थी, तेल का खर्चा ये बता रहे हैं कि तेल खुद ही भरवाते थे, और उसके बाद आप समझ लीजिए ये कह रहे हैं कि जो पैसा इनके खाते में आता था उसे ये वापस करते थे, कैश वापस करते हैं, जिस तरह से मुझे लगता है कैश ही वापस करते रहे होंगे, तो सीधा सीधा ये भ्रष्टाचार का मामला है, और ये उंगली खड़ी होती है अनूप मलिक जी की तरफ, जो कि शुरू से ही जायका के यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं उत्तराखंड के, और आज वो उत्तराखंड फॉरेस्ट के सबसे बड़े अधिकारी हैं, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हैं, वो हॉफ हैं, PCCF कहते हैं जिसे आप, तो इसका साफ मतलब है कि 2014 से लेके 2022-23 तक अनूप मलिक जी यहाँ पे रहे, और तमाम किस्म के फर्जीवाड़े उनके कार्यकाल में हुए। गौरव, आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं? कहना चाहूँगा, गाड़ी आपको सामने दिख रही है UK07GA2446, ये फॉर्च्यूनर है जी, उत्तराखंड में केवल माननीय मुख्यमंत्री जी इस गाड़ी से, और ये भी प्राइवेट नंबर है? नहीं नहीं, ये सरकारी गाड़ी है। अच्छा, ये जीए जो है सीरीज, ये सरकारी गाड़ी की सीरीज होती है। जायका का जो असली जायका है वो वन अधिकारियों ने लिया है, जम के लिया है, पूरी लूट खसोट हुई है, और उसका एक नया प्रमाण आपके सामने खड़ा है, जो फॉर्च्यूनर आप देख रहे हैं UK07GA2446, और जैसा गौरव ने बताया कि अब 1.5 साल का प्रोजेक्ट है, और 40 लाख की फॉर्च्यूनर जो शुरुआत कर दी है भ्रष्टाचार की, तो ये हालात हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। और जायका के और भी बड़े खुलासे, ये पहला खुलासा नहीं है, हम आपसे वादा करते हैं कि और भी खुलासे हम करेंगे, फिलहाल आप देखते रहिए जागो उत्तराखंड।